हम लोग तो कांग्रेस रहा है, कांग्रेस में वोट देंगे। कांग्रेस का वोट तो पिछले बार MIM को कैसे वोट दे दिया? हम लोग नहीं दिए थे। अच्छा, हम लोग कांग्रेस में वोट दिए हैं। इस बार फिर तो यहाँ पर तीनों मुकाबला नहीं होगा। हम तो कांग्रेस को देंगे, आप कोई हो जाए हम कांग्रेस को देंगे। क्या लगा है कांग्रेस आपके लिए क्या करेगी? और कुछ किया है नहीं किया है, हम लोग कांग्रेस जीता है कांग्रेस में देंगे जब तक रहेंगे हम। सर यहाँ पार्टी दूल चुना है, कांग्रेस है और बीजेपी है, ये सब कुछ हम लोग लाएंगे, क्या करेगा? नहीं नहीं, यहाँ पर जो असल में कांग्रेस बीजेपी है, लेकिन यहाँ पर जो 10 महीने के लिए लोगों ने MIM को चुना है, तो वो भी एक पार्टी यहाँ हो गया बिहार में, जो पूरे बिहार का नजर है। बीजेपी जिस तरह देश को बर्बाद करके रखा है, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर यही सब में बांट करके रखा है, इसको हमको हटाना है, बीजेपी को हम जड़ से उखाड़ देना है यहाँ। क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम अब्दुल करीम है, लोग बाबा करीम के नाम से जानते हैं। बाबा जी यहाँ पर जो है आपने 10 महीने का वक्त दिया था MIM के विधायक को, इस बार क्या मिजाज है आपके यहाँ का? यहाँ का मिजाज अभी तो MIM ही है, जिसका बैरिस्टर सुद्दीन अवैसी साहब हमारे सदर है, और जनाब कमल हुदा साहब जो अभी पिछले 8 महीने से विकास किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा विकास रहा, लोगों का दिल में ही नहीं बल्कि दिमाग में भी उतर आया है कि कमल हुदा साहब को ही इस बार भी मतलब सफल बनाना है और विकास का सेवा करने का मौका देना है। मेरा नाम नूरुल इस्लाम। क्या बदलाव इस बार, क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का? वोट का बदलाव क्या, पहले ऐसा रहेगा MIM का। अच्छा, इस बार जो है 10 महीने का वक्त दिया था MIM के विधायक को, क्या लगा आपके? 10 महीना 8 महीना ही टाइम पाया, वो 6 महीना काम किया, 6 महीना में 3-4 रोड किया, 2-3 पुल किया, तो टाइम ही नहीं मिला तो वो करेगा कहाँ से। चलिए और लोगों से हम जुड़ेंगे, क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का इस बार? वोट का मुद्दा रहेगा कि लोकप्रिय वोट का मुद्दा रहेगा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है आज के डेट में, कोई मुद्दा नहीं है। इस बार किसका सरकार बनना चाहिए बिहार में? इस बार लालू का सरकार बनना चाहिए। जी हाँ। तो ये आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर है। क्या करते हैं? मेरा राशन का दुकान है। अच्छा, क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ से कुछ बदलाव होगा? या मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, काहे कि बदलाव नहीं होगा तो कोई भी नेता मतलब ये नहीं पहचानेगा कि हमको कुछ करना चाहिए था तभी हमको वोट मिलना चाहिए था। यहाँ पर जो है खासकर केसरगंज विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस MIM है, मुकाबला किनका होगा इसके? देखिए मुकाबला तो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का ही है, कांग्रेस और आपको भी पता है बात कि उन्हीं दोनों का मुकाबला होगा इस बार, नहीं पाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुस्लिम एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुस्लिम ही कैंडिडेट का चांस ज़्यादा है। पिछले दफ़ा आपने यहाँ के लोगों ने 10 महीने का वक्त MIM को दिया था, क्या इस बार वो 5 साल का मौका देगी जनता यहाँ की? जी नहीं, जी दे सकती है जनता। देखिए जनता का बात कुछ कहा नहीं जाता है, जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। 10 महीने में क्या काम किया उन्होंने? अभी तो देखिए 10 महीने में तो काम अभी हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है, उसके बाद लॉकडाउन भी शुरू हो गया, काम तो हम लोग को नज़र नहीं आया खास। क्या लग रहा है इस बार जो है आपके यहाँ का क्या बदलाव हो सकता है? बदलाव जमीनी स्तर से जो काम करेगा हम उनको चुनेंगे। यहाँ राजनीति हमारे जो पुठिया ब्लॉक के अंदर जो भी आज तक नेता बने हैं, आज तक किसी ने वादे किए, वादे किसी ने पूरे नहीं किए, ठीक है। आज जो जमीनी स्तर में काम कर रहे हैं हमारे MIM के जो सदर है, जो पार्टी है, जो काम हो रहा है और होगी इंशाल्लाह आगे, तो हम उनको चुने हैं और नौजवान सबके दिलों में वो छा चुके हैं और इंशाल्लाह हम उन्हीं को वोट करेंगे। हमें ज़मीनी स्तर से काम चाहिए। आज हम लोग दिल्ली से मुंबई से बेरोजगार होके इस तरह बैठे हुए हैं, इस तरह के लोग एक एक पैसा एक एक रुपये के लिए, आज अगर हमारे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट या बिहार के अंदर कोई एक कंपनी या छोटे मोटे कोई भी कारोबारी मिल जाता तो हम लोग को इस तरह से बेरोजगारी, देख रहे हैं आप थोड़ा कैमरा घुमा के देखिए कि कितने लोग बेरोजगार होके बैठे हैं। आज लोग दिल्ली नहीं जा पा रहे, दिल्ली से जो भी कमा के जो भी आज जो ये देख रहे हैं ना मकान दुकान सब दिल्ली और पंजाब और बॉम्बे से कमा हुआ दौलत है, घर का दौलत किसी का नहीं है यहाँ। तो कोई तो MIM से ही आपका उम्मीद टिका? उम्मीद इंशाल्लाह है और वो सबका चरित्र है और सबके लिए बेहतर है, हम सबको दिए हैं ऐसा नहीं है, हर पार्टी अपनी जगह ठीक है लेकिन हमें काम करने वाला आदमी चाहिए, हम काम का आदमी को ढूंढ रहे हैं जो काम करे हमारे लिए किए, नौजवानों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए करे, हम वैसा आदमी चाहते हैं
जो हमारे हित में काम करेगा इंशाल्लाह हम उनको वोट करेंगे। चलिए, क्यों अभी तक जो हम जायजा ले रहे हैं सारे लोग MIM के बारे में बोलते हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि MIM का क्या गढ़ हो गया यहाँ पर? गढ़ नहीं, कैंडिडेट अच्छा है, कैंडिडेट अच्छा है और इसी कैंडिडेट हमको काम चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को हमको चुन करके भेजना है और उससे काम लेना है। पार्टी अच्छा है, कैंडिडेट अच्छा है। चलिए, और लोगों से हम जानेंगे कि इस बार यहाँ पर किसका किसका टक्कर होगा? बीजेपी का, MIM का, और कांग्रेस का यहाँ तो गढ़ था। कांग्रेस का ऐसा है, 45 साल से कांग्रेस यहाँ हुकूमत किया है, लेकिन हमारे जितना संसद बना के दिल्ली में भेजे हैं सबको यही योजना पास करके लाया था, सारा बिहारी को घर से बेघर कर दो, बेरोजगार कर दो, यहाँ कोई रोजी रोजगार धंधा पानी कुछ नहीं है, सारा आदमी दर दर ठोकरे खाते हैं देश विदेशों में, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, चंडीगढ़, कहाँ कहाँ दर दर ठोकरे खाते हैं, लेकिन रोजगार का कोई धंधा पानी कुछ नहीं है यहाँ। सिर्फ एक एक, एक सवा बीघा जमीन है, 10 कट्ठा किसी का, 5 कट्ठा, उस जमीन से किसी का रोजी पेट भरने वाला नहीं है। आदमी हर कोई रोजगार चाहता है, रोजी रोजी कुछ नहीं है यहाँ, सब दर दर ठोकरे खाते हैं सर। तो इस बार 10 महीने का जो बदलाव किए थे आप लोग, तो कैसा लगा उस बदलाव को? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया। यहाँ हिंदू मुसलमान कहकर के आदमी को तो वोट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ विकास का नाम से कुछ नहीं होता है। अच्छा, चलिए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि MIM जो है मुसलमानों की पार्टी है, किसान में जीतेगी तो ये कर लेगी वो कर लेगी, तो क्या आपके यहाँ तो जीत लिया, क्या लग रहा है? ये मुसलमान और हिंदू और मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, हाँ यहाँ का विकास का बात है। ये जो 2 महीना में जो काम किया, जावी से अच्छा किया है, कांग्रेस से अच्छा किया है, ये 20 साल में नहीं किया, ये 10 महीने के अंदर करके दिखाया, वो जो भी किया अच्छा ही किया। MIM इंशाल्लाह आगे बढ़ रहा, जीतेगा तो इंशाल्लाह। यहाँ पर मुकाबला किसके साथ होगा? ये बीजेपी के साथ होगा, बीजेपी के साथ। पिछले दफा तो यहाँ पर सब 70,000 वोट लाए थे, इस बार कैसा लग रहा? इससे ज्यादा लगेगा इस बार, 70,000, हाँ पार लगेगा। तो चलिए, रेतुआ हाट में है और लोगों से हम जानकारी ले रहे हैं कि, और ख़ास तौर पर जो है इस बार जो है MIM को किशनगंज में लोगों के रुझान से बताया जा रहा है कि 70,000 पिछले दफ़ा लाया था, इस बार ज़्यादा वोट लाएगा, क्या लग रहा है इस बार आपके यहाँ क्या रहेगा चुनावी मुद्दा? चुनाव तो MIM रहेगा सर, MIM पिछले दफ़ा भी MIM। अच्छा, अचानक आप लोग कांग्रेस से MIM की तरफ क्यों बदलाव कर लिए थे? क्यों बदलाव कर लिया? एक होता है ना कि 15-20 साल आप लोग कांग्रेस को वोट दिए, उसके बाद अचानक क्या मूड आया कि MIM के तरफ हो गए, जबकि MIM के तरफ बहुत सारा इल्जाम लगा हुआ था। वो तो ठीक है, तो अभी तो सबको काम दिखाया तो सब दो ही करेगा ही। काम दिखा दिया? काम तो दिखाई। क्या क्या दिखाया आपके? रोड बार बना देता है, घाट भी अच्छा से करवा देता है, लोग जो अच्छा समझता है तो अच्छा काम पाएगा। क्या लोग कहता है गाँव में? गाँव में तो अभी वही है, ये MIM है। क्या करते हैं आप? क्या हम तो खटखटिया चलाते हैं अभी। खटखटिया वो जो वो होता है, खटखटिया, उसमें कमाई में हो जाता है? कोई कमाई नहीं है हमारा तो, अभी तो गाड़ी हम 20 दिन से बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है हमारे पास अभी। अब इस बार जो है MIM वालों से क्या कहेंगे, क्या कर देना चाहिए? आप देखे क्या होगा, आप आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग तो बोलेंगे कि सरकार बनाना है, नहीं बना पाएगा, तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हमको जो 4 आदमी वोट देगा उसमें हम भी देंगे। अच्छा, 4 आदमी जो उसको कमल हुदा को सब सपोर्ट करता है, हम भी करेंगे दिया। देखिए सर, मैं आपको कहना चाहूँगा, इस बार खासकर इस इलाके में, और मैं ये चाहूँगा कि बिहार सरकार में लालू प्रसाद आए और तेजस्वी यादव आए, बहुत खुशी की बात होगी। और आप जो बोल रहे हैं कि हमारे कमल हुदा जी इस इलाके में 10 महीने में ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो हम आपको तारीफ करें, ऐसा कोई बात नहीं है जी, नहीं ऐसा लग रहा है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन करने का यहाँ पर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट करने का? इस साल तो हमारा ख्याल से जो है अवश्य अच्छा रहेंगे। अच्छा, 10 महीने का वक्त दिया था उनको MIM को? दिया था। काम किया आपके यहाँ? हाँ किया है, रोड घाट का सब काम हुआ है। तो आने वाले दिनों में क्या बदलाव करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे भी यहाँ? अब देखते हैं आगे चल के क्या होगा नहीं होगा, लेकिन क्या उम्मीद लग रहा है इस बार यहाँ पर किसका किसका मुकाबला होगा, टक्कर होगा? बाबू इतना हम लोग कह नहीं सकते। अच्छा अच्छा, चलिए और लोगों से हम जानेंगे, चूँकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, पनासी मार्केट है। क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरे नाम मोहम्मद सुल्तान फुरकान साहब।
सुल्तान सुल्तान साहब, क्या लग रहा है आपके यहाँ? चुनाव बहुत करीब है, चुनाव का माहौल भी गर्म है। चुनाव टिकट पाएगा तब ना कोई बात होगा। अच्छा, टिकट पाएगा तब ना हम चुनाव को चुनेंगे। इस बार क्या लग रहा है यहाँ पर, जो क्या मुद्दा रहेगा वोट करने का? वोट तो कांग्रेस, तो यहाँ पर कांग्रेस ही है, कांग्रेस से ज्यादा है, अब इसी कम है। अच्छा, इस बार यहाँ पर कांग्रेस का लहर रहेगा, कांग्रेस ही है यहाँ पर। तो फिर तो इस बार MIM को भी जिताए थे आप ही लोग। जिताए थे, कहाँ काम दिखाया? काम नहीं दिखाया, कहाँ काम है? फिर से वही कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं। जब कांग्रेस को नहीं देंगे तो किसको देंगे? कांग्रेस से क्या उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है उसे, उसी का तो खानदानी था। तो फिर अचानक पिछले बार बदलाव कर दिए थे आप लोग? क्या कर दिए? आचार मानने के लिए। अच्छा, आचार मानेंगे तब ना वो पलटी होगा, सही होगा। अच्छा, इसी वजह से कांग्रेस को हराया। हाँ, इस बार क्या करेंगे? सोचा जाएगा क्या करेंगे आप। सुल्तान का बात छोड़िए, नाम बोलिए। नाम मेरा नाम अकबर नवाज है, घर पनासी। जीतेगा यहाँ मोदी। हम लोग को दिया 5,000 रुपया अकाउंट में, और किसान का भी दे रहा है 2,000 करके 3 महीना में। इस बार कई दफा से यहाँ पर तो बीजेपी हार रही है आपका, इस बार बीजेपी को जिता के रहेंगे। आपका उम्मीदवार किसको चेहरा देखना पसंद है? बस बीजेपी में जो आ जाए, गुरु बकरी भी आ जाएगा तो डाल। फिर बार बार स्वीटी सिंह बेचारी यहाँ से क्यों हार जाती है? इस बार जिताएंगे ही उसको। बीजेपी का इस बार मुकाबला किन के साथ हो सकता है आपका? होगा कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ मुकाबला होगा। चलिए, और लोगों से हम मिलेंगे यहाँ पर। चलिए, और लोग हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, क्या नाम हो आपका? MD नैयर आलम। नैयर भाई, यहाँ पर इस बार किस मुद्दे पर वोट करना चाहेंगे विधानसभा चुनाव में? विधानसभा तो आज से मोटा मोटी 70 साल हो गया देश का आज़ादी होने से, मगर काम नहीं हुआ। काम होने रहा है, क्योंकि कांग्रेस को भी देख के, बीजेपी तो है ही, ये खाली बस जितना भी है यहाँ लुटखोर है, जितना भी आया यहाँ लुटखोरी करने आया। सीमांचल में बदहाली जो है वो अभी तक है। क्या होना चाहिए इस बार? काम होना चाहिए, मगर MIM यहाँ से निकला हमारे, तो लॉकडाउन में काम हो नहीं पाया। अगले बार इंशाल्लाह फिर सोचते हैं उन्हीं को। अच्छा, मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का 8 महीना तो उसका ऐसे ही चला गया। लॉकडाउन में काम कैसे होगा? तब तो लॉकडाउन में ही परेशानी, तब इस बार तो अच्छा खासा इंशाल्लाह। चलिए, और लोगों से मिलेंगे हम। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम चंगेज खान। क्या लग रहा है इस बार आपके यहाँ, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा इस बार क्या रहेगा? कांग्रेस में वोट डालेंगे हम लोग। चलिए, कांग्रेस के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस का मुकाबला सीधे किसके साथ होगा? सीधा बीजेपी के साथ। सीधे बीजेपी के साथ। और कुछ मुद्दा आपके पास कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला ना हो जाए यहाँ पर? होगा, OBC भी वोट पाएगा। हाँ, ये तो OBC का पार्टी, लेकिन इस बार कांग्रेस जीतेगा। अगले बार तो उसकी माँ के वजह से वोट नहीं दिया बहुत लोग। हाँ, इस बार कांग्रेस भी वोट देगा आदमी, पूरा गोल बंद रहेगा। गोल बंद रहेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, बीजेपी के यहाँ पर जीत होगी? बीजेपी की जीत नहीं होगी कभी भी। हम लोग का वोट लास्ट में एक तरफा हो जाएगा। तो फिर 70,000 वोट कैसे चले गया MIM में? आप अगले बार गया बुढ़िया के वजह से चले गया, जावेद साहब की माँ के वजह से। इस बार नहीं जाएगा वोट, दूसरे जाएगा। इधर आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद। इधर आइए, सूरज का रोशनी है थोड़ा सा, हम लोग इधर बात करेंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, और क्या रहेगा यहाँ पर, समीकरण क्या रहेगा इस विधानसभा में? यहाँ पे OBC चलेगा। OBC साहब, तो पिछले दफा में तो वहाँ पर वोट ना वहाँ ना। हाँ, इसमें तो अच्छा काम किया वो। अच्छा, अभी कहाँ जाएंगे हम? OBC को वोट देंगे। अच्छा, इस बार और मौका देना चाहिए? मौका देंगे, एक बार मौका देंगे, दीजिएगा मौका। क्या लग रहा है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो सकता? यहाँ पे तो मुकाबला तो BJP और OBC चलेगा। BJP और MIM का है। चलिए, और लोगों से हम मिलेंगे फिर, चूँकि पनासी हाट में है और चाय की दुकान में है। क्या चाचा, क्या खा रहे हैं आप? क्या नामी खा रहे हैं, क्या खाएंगे आप? बात कीजिएगा हमसे। क्या बात करेंगे हम लोग? चुनाव का माहौल है तो बात छोड़ेंगे नहीं आपको। हाँ, गरीब आदमी क्या बात करेंगे। क्या इस बार क्या लग रहा है, किसको वोट करेंगे आप? क्या किस... हम लोग तो कांग्रेस है, कांग्रेस में वोट देंगे। कांग्रेस का वोट तो पिछले बार MIM को कैसे वोट दे दिए? हम लोग नहीं दिए थे। अच्छा, हम लोग कांग्रेस में वोट दिए हैं।
इस बार फिर तो यहाँ पर तीनों मुकाबला नहीं होगा। हम तो कांग्रेस को देंगे, आप कोई जाए, हम कांग्रेस को देंगे। क्या लगा है कांग्रेस आपके लिए क्या करेगी? और कुछ किया है नहीं किया है, हम लोग कांग्रेस जीते हैं कांग्रेस में देंगे जब तक रहेंगे हम। पनासी में है, हाट में है और लोगों से चुनावी चर्चा कर रहे थे बिहार विधानसभा पर। फिर किसी नए अपडेट के साथ हम मिलेंगे, तब तक हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।